I'm from watching reactions. In in today's video, video I'll react to a video by Heather TV. Fake foods people actually eat in China. Allah करे ऐसी ऐसी चीजें चाइना बनाने लगा है कि डर होने लगा है डर लगने लगा है कि पता नहीं वो चीजें जो हम खा रहे हैं वो असली है या नहीं तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से फेक खाने और खाने की चीजें चाइना बना रहा है और चाइना के लोग एक्चुअली खा रहे हैं वो चीजें सो so, आइए इस वीडियो में डिस्कवर करते हैं लेट्स स्टार्ट द वीडियो असलम दोस्तों मेरा नाम है वकाश हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि चाइना दो नंबर चीजें बनाने में सबसे आगे है ये चाइनीज लोग इतने फराडी हैं कि एक लाख रुपए की चीज दस रुपए में ही बना देते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको चाइना में बनाए जाने वाले ऐसे फेक फूड दिखाऊंगा जिन्हें देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे तो शुरू करते हैं अपना काउंट फेक आइसक्रीम दोस्तों अगर आइसक्रीम की बात की जाए तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे आइसक्रीम पसंद

की बात यह है कि लोगों ने, की की। की की। ने तो कि इस आइसक्रीम पर भी किए हैं कई लोगों ने आग में रखकर रेडी हो गए लेकिन आइसक्रीम थी कि मेल्ट होने का नाम ही नहीं लिया वेलिस आइसक्रीम को बनाया तरह जाता है इस बात का तो पता नहीं लेकिन अफसोस है चाइना के बच्चों पर जिन्हें आइसक्रीम भी प्लास्टिक की ही खाने को मिलती है इससे ज्यादा बैड लक और भला क्या हो सकती है फेक हनी दोस्तों वैसे तो शहद दुनिया की सबसे बेनिफिशियल चीजों में से एक है और इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी ही शफा रखी है लेकिन चाइना के लोग तो बेचारे इस अनमोल नेमत से भी फायदा नहीं उठा सकते उसकी रीजन ये है कि चाइना के फ्रॉडी लोगों ने फेक हनी बनाने का भी तरीका इन्वेंट कर लिया है ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक चाइनीज ठग नकली शहद बनाने का तरीका बता रहा है इस मेथड में सबसे पहले एक फेक सिरप बनाया जाता है इस सिरप को बनाने के लिए चीनी नहीं बल्कि स्क्रीन यूज की जाती है वेल सिरप बनाने के बाद इसमें पिगमेंट डाला जाता है पिगमेंट असल में फूड कलर होता है जो इस सिरप को सेम शहद के कलर जैसा बना देता है इसके बाद इसमें हनी का फ्लेवर ऐड किया जाता है और इस तरह ये खालस शहद तैयार हो जाता है ये दो नंबर लोग सिर्फ तीन चीजों की मदद से ऐसा शहद बना देते हैं कि इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये शहद नकली है और इससे भी मजे की बात ये है कि सनी को इंडस्ट्रियल लेवल पर सेल किया जाता है बहरहाल जो भी हो जब चाइनीज बच्चों को घुट्टी भी फेक शहद से दी जाएगी तो इसे बड़ा होकर नकली जुगाड़ों के अलावा और भला क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है फेक बीफ दोस्तों चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है वहाँ गाय की गोश्त की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है इसलिए चाइना में बीफ काफी महंगा है लेकिन लोगों की आसानी के लिए चाइना के फूड माफिया ने फेक चीजें बनाने में गोश्त को भी नहीं छोड़ा ये लोग चिकन को तो टीके लगा फैलाते ही थे लेकिन गोश्त के मामले में तो इन्होंने सारी हद क्रॉस कर दी है ये अपनी आवाम को खुश करने के लिए एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों से बीफ तैयार करके इसे सेल करते हैं ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें नकली बीफ बनाने का पूरा दिखाया जा रहा है इसे बनाने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में लैम फिश या चिकन का गोश्त यूज किया जाता है और इसमें ये ये लोग एक स्पेशल पाउडर पाउडर करते हैं जिसे मीट ग्लू कहा जाता है है चाइना के के कसाईयों मुताबिक इतना खतरनाक होता है कि इस की वजह से हाथों पर छाले निकल आते हैं एनीवेज पाउडर को किसी भी सस्ते गोश्त में मिक्स करके रैप करने के बाद फ्रीज कर दिया जाता है जब ये गोश्त फ्रीज होकर निकलता है तो ना सिर्फ शक्ल में बिल्कुल रियल बीफ जैसा लगता है बल्कि इसका साइज और भी ज्यादा फूल डबल हो जाता है इवन इसका टेस्ट भी इतना ऑथेंटिक होता है कि किसी का बाप भी नहीं बता सकता कि ये बीफ फेक है चाइना के ज्यादातर ढाबों पर इसी फेक मीट से गोश्त बनाया जाता है और इन्हें खाने के लिए लोग लाइन में लगे होते हैं पता नहीं ये लोग इतनी बेहुदा चीजें खाकर जिंदा कैसे बच जाते हैं ये रियली अनबिलीवेबल है फेक एग्स दोस्तों जैसा कि पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम आ चुका है और आपको अब हर दूसरी गली में ही गर्म अंडों की आवाज आने वाली है वैसे तो दुनिया के ज्यादातर लोग फेक डायमंड और फेक गोल्ड जैसी चीजें बनाते हैं लेकिन चाइना के लोगों ने तो फेक बनाने में अंडों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने तो पाँच रुपए के अंडों को भी मसूही तौर पर बनाना शुरू कर दिया है ये जो एग आप दिख रहे हैं ये असल में एक नकली अंडा है हालांकि देखने में ये बिल्कुल रियल अंडा लगता है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है इस फेक एग की सफेदी बनाने के लिए सोडियम एलिगेनेट यूज किया जाता है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो व्हाइट कलर का होता है और गर्म करने पर यह बिल्कुल अंडे की सफेदी की तरह नजर आता है इसके अलावा इसकी जर्दी भी सोडियम एलिगेट से ही बनाई जाती है इसके लिए सब्सटेंस के अंदर सिर्फ येलो कलर किया जाता है और ये सेम अंडे की जर्दी जैसी बन जाती है इसके अलावा इस एग का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है और इस तरह ये फेक अंडा तैयार हो जाता है हालांकि चाइना के फार्म्स के अंदर करोड़ों मुर्गियां डेली बेसिस पर अंडे दे देकर पागल हो रहा हैं लेकिन ये लोग तो मुर्गी को भी तकलीफ देने के हक में नहीं है ये सच में हमाकत है फेक चिकन दोस्तों चिकन दुनिया के सबसे कॉमन फूड्स में से एक है वैसे तो हम सब डेली बाजार में चिकन लेने के लिए जाते हैं लेकिन जब चाइना के लोग मार्केट से चिकन का गोश्त लेने के लिए जाते हैं तो इन्हें मुर्गी का गोश्त नहीं बल्कि हवा ही मिलती है असल में चाइनीज लोग इतने की कि एक किलो चिकन में पाँच किलो हवा भर के बेचने की काबिलियत रखते हैं आपको जानकर हैरानी होगी की चाइना की चिकन शॉप पर गोश्त का वजन बढ़ाने के लिए एक खास टेक्निक यूज की जाती है इसमें चिकन को क्लीन करके इनकी स्किन के अंदर इंजेक्शन के जरिए या तो पानी भर दिया जाता है या फिर हवा भरी जाती है इससे चिकन फूल कर मोटा हो जाता है और इसका वजन भी बढ़ जाता है और माशाला चाइनीज कसाई इन दोनों ही कामों में बहुत एक्सपर्ट है सबसे मजे की बात यह है की जब इस चिकन में हवा भरी जाती है तो ये चिकन मुर्गी का गोश्त कम और हाथी का गोश्त ज्यादा लगता है क्योंकि ये फूल ही इतना जाता है कि कोई भी इसे देखकर अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये चिकन है खरीदने वाले को ऐसा लगता है जैसे इसने किसी बॉडी बिल्डर मुर्गी का गोश्त खरीद लिया है लेकिन जब वो इसे घर जाकर पर पर चढ़ाता है, है, तो वो एक किलो की की 200 ग्राम की रह जाती है। पर इससे भी शॉकिंग बात ये है कि चाइना के अंदर ये चीज बिल्कुल कॉमन है इवन कसाई मजे से चिकन को टीके लगाते हैं और फिर भी लोग इसे बाय कर लेते हैं एनी anyway, जो भी हो दो नंबरी करने में चाइना वालों से आगे कोई नहीं निकल सकता फेक मिनरल वाटर दोस्तों वैसे तो हम सब के घर में मोटर लगी होती है जिसमें से फ्रेश पानी निकलता है लेकिन फिर भी लोग बाजार से महंगा मिनरल वाटर खरीद कर लाते हैं ताकि जरासीम और बैक्टीरिया पानी कर, आराम कर सके लेकिन अफसोस की बात चाइना के लोगों को ये सहूलत भी मैसर नहीं है इसकी रीजन ये है की चाइना की मिनरल वाटर फैक्ट्री को अपने ऊपर इतना भरोसा है की इन्होंने फैक्ट्री में फिल्टर तक लगाने की जहमत नहीं की वहाँ ना तो कोई मशीन होती है और न ही ये लोग पानी को साफ करने की सरदर्द लेते हैं बल्कि ये लोग टूटियों से ही निकलने वाले पानी से डायरेक्ट मिनरल वाटर की बोतलें भर देते हैं यहाँ तक कि पानी भरने के लिए ये नई बोतलों का भी इस्तेमाल नहीं करते बल्कि कचरे से खाली बोतलें उठाकर इन्हें ही धो धा कर इनमें ही टूटियों से पानी भर देते हैं और इसे मिनरल वाटर का नाम दिया जाता है वेल चाइना में तो मिनरल वाटर लेने से बेहतर है की कि बंदा किसी रात चलती टूटी को ही मुंह लगा ले फेक दोस्तों नॉर्मली जब भी हम मार्केट में लाल मिर्च लेने के लिए जाते हैं तो इस मिर्च को सबसे ज्यादा कड़वा किया जाता है जिसका कलर सबसे ज्यादा लाल 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 हो वैसे तो लाल मिर्च का का कलर ही ही होता है है लेकिन चाइना के अंदर ऑलमोस्ट हर चीज को ही फेक बनाने का रवाज है। इसलिए चाइनीज लोगों ने सोचा कि क्यों ना रेड मिर्चों को भी मजीद रेड करने की कोई बेहूदा टेक्निक इस्तेमाल की जाए सो इन्होंने अपने कस्टमर्स की आंखों को टंडा करने के लिए इन मिर्चों को भी रेड पेंट करना शुरू कर दिया है ताकि वो

लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो कोरोना वायरस जैसी बीमारियां तो आएंगी ही फेक राइस दोस्तों आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा कि चावल खाने से इंसान मोटा हो जाता है और इवन शुगर और किडनी वगैरह के पेशेंट्स को भी चावल खाने से मना किया जाता है लेकिन मजे की बात यह है कि चाइना के लोग अगर डेली बेसिस पर भी चावल तो भी चावल खाएंगे तो इन्हें कुछ नहीं होगा ना ये मोटे होंगे और ना ही इन्हें शुगर या किडनी की बीमारी होगी इसकी रीजन ये है की चाइना के अंदर चावल खेतों में नहीं बल्कि फैक्ट्रीज में उगाए जाते हैं ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें चाइना की एक फैक्ट्री में वर्कर चावलों की फसल तैयार कर रहे हैं आप नहीं करेंगे कि ये लोग शापरों की मदद से चावल तैयार करते हैं इस वीडियो में फेक चावल बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है सबसे पहले ये लोग शापरों को एक मशीन में डालकर इन्हें मेल्ट करते हैं ये मशीन शापर को मेल्ट करने के बाद केमिकल्स मिलाकर इसे थ्रेड्स की सूरत में बाहर निकाल देती है फिर इसके बाद एक और मशीन इन थ्रेड्स को चावलों की शक्ल और साइज में काट देती है और इस तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से इन चावलों को तैयार कर दिया जाता है नॉर्मली तो चावल उगाने में दो तीन महीने लग जाते हैं

फैक्ट्स दिखाई इस वीडियो में कि किस किस तरह के फेक फूड्स बनते हैं चाइना में और बस चाइना के लोगों के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है मतलब जो चीज़ें उनको मिल रही हैं सारी फेक मिल रही है उनको मतलब पता नहीं चलता कि कौन सी चीज फेक है कौन सी सही है तो बस वो खाते हैं जो भी उनको मिलता है ये बहुत ही गलत बात है और डर की बात यह है कि वो ये चीज़ें ना एक्सपोर्ट करना शुरू करें बाकी दूसरे ममालिक में और कोई जो है वो गारंटी नहीं है कि जो चीज़ें हम खाते हैं वो पता नहीं असली है या चाइना वाली है हमें तो डर लगने लगा है भाई ये सारी चीज़ें देख कर कि जो चीज़ें हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं कहीं वो चाइना की तो नहीं है चावल तक जो है उन्होंने वो प्लास्टिक शॉपर्स जो है इससे बनाना शुरू किया है बहुत ही गलत बात है और बहुत ही जो है फिर हम सोचते हैं कि इतनी बीमारियाँ क्यों फैल गई है क्योंकि हमें जो चीज़ें खाने को मिलती हैं वो असली नहीं है उसमें दो नंबर चीज़ें होती है फिर माशाल्लाह जो चाइना काम कर रहा है जिस जिस तरह से जो है वो फेक चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं और पता नहीं बाकी ममालिक एक्सपोर्ट कर भी रहे या नहीं लेकिन मतलब कोई पाबंदी तो लगनी चाहिए चाइना पे कि कोई इस तरह की चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए वरना जिस तरह कोरोना वायरस फैल गया था चाइना से जो है वो पता नहीं चाइना और कितनी बीमारियां फैला देगा पूरी दुनिया में कैंसर तो बस एक आम सी बीमारी हो गई है इस ज़माने में जिस तरह के खाने खाने को मिलती है आवाम को तो बस अल्लाह इस ऐसे कौम से बचाएं जो इस तरह के फेक चीज़ें बनाते हैं और अल्लाह ताला हम हमें जो है इन सारी चीज़ों के शर से बचाएं बहुत ही गलत चीज़ें हैं जो जो खाने के लिए मिल रही हैं अगर आपको फेक चीज़ें खाने को मिले तो सोचिए कि आपकी सेहत का क्या होगा अल्लाह ताला हम सब को बचाए ऐसे लोगों से जो इस तरह के फेक चीज़ें बनाते हैं और उनके दिल में ज़रा सा कुछ नहीं होता कि भाई जो हम आवाम को ये चीज़ें खाने को दे रहे हैं तो उनको क्या क्या नुकसान हो सकती हैं बस कमा कमाने पे लगे हुए उनका कमाने से मतलब है आवाम की फिक्र नहीं है कि आवाम की सेहत का क्या होगा अल्लाह ताला हमें ऐसे इंसान से बचाए जो इनके दिल में जरा सा रहम नहीं है और सिर्फ कमाने पे तुले हुए अल्लाह ताला हम सबको इस शर् से बचाए आमीन सुम आमीन सो ये थे आज की वीडियो उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी मिलते इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चल दैन अपना बहुत ख्याल रखियेगा फीम्ह